नमस्कार महाराज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत स्पेशल व्लॉग आपके लिए लेके आए हैं जिसमें बहुत सारा कश्मीरी खाना है, लेकिन हम एक रेसिपी पे फोकस करेंगे जो है कश्मीरी राजमा। गुरु पूर्णिमा हमारे घर में बहुत लार्ज स्केल में बनती है वैसे हर साल, लेकिन इस बार कोविड की वजह से हमने उसको कंटेन रखा है और डिस्टेंस के साथ हमने ये मनाई है। इसमें प्रेपरेशन चल रही है। मेरे नाना को मिलने के लिए और मेरे नाना के सम्मान में जो बहुत लोगों के गुरु हैं, लोग आते हैं मिलने के लिए गुरु पूर्णिमा में, तो इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल इन आवर हाउस। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार है तो हमारे घर में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। कुछ पकवान भी बन रहे हैं जिसमें हम दम आलू, कश्मीरी स्टाइल दम आलू, कश्मीरी स्टाइल पनीर, राजमा और हलवा बना रहे हैं। तो सब गुरुओं को हमारी तरफ से नमन, बहुत बहुत सारा नमन। ये राजमा की रेसिपी 2 किलो के हिसाब से है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लीजिए और उसको पकने दीजिए थोड़ा, और उसमें डालिए कटा हुआ प्याज। 3 कटे हुए प्याज इसमें डालने हैं। लेट इट फ्राई। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और जब ये प्याज फ्राई हो जाए उसमें आप टमाटर की ग्रेवी या टमाटर कटे हुए डाल सकते हैं, 3 टमाटर। इसके बाद आप डालिए सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी 3, मोटी इलायची और तेजपत्ता 2। इसमें आप डालिए मुट्ठी भर जीरा और इसे अच्छे से मिला दीजिए। अब बारी आती है मसालों की। सबसे पहले 3.5 चम्मच लाल मिर्च, और पानी मिलाते रहिए और उसको मिक्स कीजिए। जो बॉइल्ड राजमा है आप इसमें डाल दीजिए। प्रेशर कुकर में 3 सीटी के बाद जो बॉइल करके राजमा आती है वो डाल दीजिए, कश्मीरी राजमा। को अच्छे से मिला दीजिए। अब इसमें और पानी ऐड कीजिए। अब डालिए 3 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 सौंठ 2 चम्मच, गरम मसाला 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी चुटकी भर। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें डालिए 3 चम्मच घी और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब कवर करके इसको पकने दीजिए और आपकी राजमा तैयार है। अगर आपको हमारा व्लॉग और हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर आवर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम कादम्बरीज कश्मीरी किचन। नमस्ते।